काफी दिनों बाद मैं निकला हूँ अपने कहाँ घर से। आप देख रहे कि लाल किला खुल गया है, एंट्री भी खुल गई है। इस तरह का टिकट काउंटर जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा रश हुआ करता था, तो इस समय जो मौसम है काफी औसम है और जो हवा काफी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ ट्रैफिक के। अब आप देख सकते हो यहाँ की जो रोड तो काफी चौड़ी बन चुकी है। काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैंने अपना जो GoPro है वो उठाया है। हाँ दोस्तों, नववंश अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफी दिनों बाद मैं निकला हूँ अपने कहाँ घर से और मुझे मिले हैं कौन, इंद्रजीत साहब। और लॉकडाउन की वजह से जो हमारे इंद्रजीत साहब है वो कहाँ चले गए थे, अपने गाँव, और काफी दिनों बाद लौटे हैं कहाँ, दिल्ली। और इनसे जानेंगे इनको कैसा फील हो रहा है दिल्ली में आके। तो दोस्तों मेरे साथ जो इंद्रजीत साहब जी है वो जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है दिल्ली में आने के बाद। और इंद्रजीत जी, आपको कैसा लग रहा है दिल्ली में आने के बाद, कब, लॉकडाउन के बाद? तो पहले तो मैं बता दूँ कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें पहले जैसी हैं, जैसा कि नॉर्मल लोगों से मिलना जुलना आना जाना हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग जितना पहले बोला जा रहा था वैसा अब कुछ भी दिखता नहीं है, सब नॉर्मल सा दिखता है। और आप देख सकते हैं कि लाल किला खुल गया है, एंट्री भी खुल गई है, बट एक चीज़ का यह है कि अभी लोग कम निकल रहे हैं घर से, जो अच्छा भी है, और भीड़ भाड़ उतने ज़्यादा नहीं, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं लगभग 5 महीने से गाँव में था और वहाँ बोर हो रहा था। तो दिल्ली से आने के बाद कुछ अच्छा लग रहा है और स्पेशली आपसे मिलके। तो दोस्तों आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, इस तरफ है टिकट काउंटर जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था लॉकडाउन से पहले, बट अब देख सकते हो जो अभी सिचुएशन है काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है। यहाँ पे जो रश है वो ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा और आप देख सकते हो जो सिचुएशन है वो कैसी है। और टाइम वेस्ट ना करते हो, चलते कहाँ आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद निकलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीडम मतलब मिल चुकी है, क्योंकि यार लॉकडाउन में आप सभी को पता है कि ऐसा फील होता है जैसे हम मतलब कैद हैं। तो इस समय जो मौसम है काफ़ी औसम है और जो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ की जो रोड्स है काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन कर रखी है। पहले क्या था, लॉकडाउन से पहले यहाँ की जो रोड्स थी उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज अभी क्या है कि 15 अगस्त तक गया है उसकी वजह से यहाँ की जो रोड्स है इन्होंने दोबारा इसको क्या किया है, बनाया है। और आप देख सकते हो कितना क्लीन है, कितना साफ है। और आप देख सकते हो मेरे बिल्कुल बैक साइड ये है लाल किला, जिसकी जो मेंटेनेंस है वो डे बाय डे काफ़ी अच्छी होती जा रही है। और मैं दिखाता हूँ इसके बिल्कुल सामने का नज़ारा, और आप देख सकते हो यहाँ जो रश है वो बहुत ही ज़्यादा रश है और इसके बिल्कुल अपोजिट बना हुआ है क्या, एक्चुअली क्या है कि उसके अपोजिट जो रोड है काफ़ी अच्छी बन चुकी है और वहाँ का जो नज़ारा काफ़ी औसम है। पहले वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड और वहाँ की जो रोड थी काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वहाँ के जो रोड है काफ़ी अच्छी बना दी गई है। और मैं आपको चल के दिखाता हूँ कहाँ का नज़ारा, बिल्कुल सामने का नज़ारा। तो दोस्तों मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ ट्रैफिक के और राइट हैंड साइड पड़ेगा कौन सा मंदिर है, दिगंबर जैन लाल मंदिर, और मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा वो पड़ेगा अपना लाल किला। तो मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ, तो आप इस समय जो ट्रैफिक है आप देख सकते हो जो ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो रखा है और यहाँ पे जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ना के बराबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलते हैं कहाँ, दिगंबर लाल जैन मंदिर के बिल्कुल साथ वाले रोड पर। एक्चुअली क्या है, वहाँ की जो रोड है पहले बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, बट जो अब रोड है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। मैं आपको वहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाने वाला हूँ। टाइम वेस्ट ना करते चलते कहाँ, आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा। तो दोस्तों रश कम हो चुका है और कर लेते हैं क्या पार, नहीं तो दोबारा मौका ऐसा नहीं मिलेगा पार करने का। तो दोस्तों आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये है लाल किला और लाल किला के बिल्कुल सामने
जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इसको बोलते हैं चांदनी चौक। यहाँ की जो रोड्स थी पहले काफ़ी मतलब ख़राब कंडीशन में हुआ करती थी, लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ की जो रोड्स है काफ़ी चौड़ी बन चुकी है, प्रॉपर मेंटेन किया जा चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हरियाली देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्रॉपर गार्डनिंग भी कर रखी है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। बट यहाँ पे जो क्राउड है लॉकडाउन के बाद आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी बहुत ही कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस समय जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो चुका है और जो हवा है काफ़ी अच्छी चल रही है। वो बैठे हमारे इंद्रजीत साहब जो कर रहे हैं क्या शूट, कहाँ की, यहाँ की लोकेशन का। और चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं कहाँ, बस स्टैंड, और देखते हैं हमें सीट मिलती है कि नहीं मिलती बस में। बिकॉज एक एक्चुअली क्या है कि पेयर में होती है सीट, और उस पेयर में सिर्फ एक ही बंदों को अलाउ करते हैं बैठने के लिए। और अभी जो मौसम है ऐसा हो रहा है कि किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। और आप देख सकते हो ये है रोड, और यहाँ से जो हमारा बस स्टैंड का डिस्टेंस है वो 5 या 10 मिनट के आसपास का डिस्टेंस है। और चलते हैं बस स्टैंड पे और पकड़ते क्या बस, फिर करते हैं आपसे बातें। तो दोस्तों हमने बस पकड़ लिया कहाँ के लिए, कमला मार्केट के लिए। ये है इंद्रजीत साहब, और ये कह रहे थे कि यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट ना करके 753 वाली जो बस पकड़ेंगे उसमें करेंगे ब्लॉग। बट क्या करें यार, जो मेरा मन है वो मानता ही नहीं, एज अ ब्लॉगर मेरा मन नहीं मान रहा था। बिकॉज काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैंने अपना जो गोप्रो है वो उठाया है क्या करने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये हमारे इंद्रजीत साहब जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं। और इस समय जो बस की सिचुएशन आप देख सकते हो कैसी है, और हर एक सीट में एक ही बंदा बैठा है, मतलब पेयर में जो सीट है, जैसे तुम्हारे दो सीट है तो दो में से एक ही बंदा बैठेगा, दोनों में से एक सीट में, जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक में आप अपना बैग रख सकते हो और एक में आप खुद बैठ सकते हो सब पे। और ये है हमारे बैक साइड का नज़ारा, और कौन सी बस आ रही है पीछे, 213।